अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हूं तुफैल अहमद खान और आप लोग देख रहे हैं डेली शॉर्ट हदीस। प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज की अपडेट लगातार आपको मिलती रहे। और अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की वीडियो। कुरान शरीफ में लिखा है कि जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मदद के लिए काफी हैं। एक दफा का वाकिया है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा से दूर कहीं सफर में थे। सख्त गर्मी का जमाना था। दोपहर के वक्त थोड़ी देर आराम फरमाने के लिए एक दरख्त के शाये में एक जगह लेट गई। हमारे हजरत थके हुए थे, लेटते ही आंखें लग गई। एक काफिर चुपचाप आया और तलवार खींचकर आपके करीब खड़ा हो गया। हमला करने ही वाला था कि एकदम से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें खुल गई। देखा कि कोई दुश्मन नंगी तलवार खींचे खड़ा है। दुश्मन बड़ा खुश था कि खूब मौका से तन्हाई में मिल गए हैं। ना इनके हाथ में कोई हथियार है और ना यहाँ इनका कोई साथी और मददगार है। बड़े घमंड से काफिर ने कहा, बताओ मोहम्मद, अब तुम्हारी जान कौन बचा सकता है? हमारे हजरत ने बड़े इत्मीनान से फरमाया, अल्लाह। हमारे हजरत की यह हिकमत, बहादुरी और इत्मीनान को देखकर वह खुद डर गया। उसका हाथ कांपने लगा, तलवार उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। अब वह तलवार हमारे हजरत ने अपने हाथ में उठा ली, खड़े हो गए और फरमाया, अब तुम्हें कौन बचा सकता है? काफिर अल्लाह को तो मानता ही ना था, थर थर कांपने लगा और रोना शुरू कर दिया। हमारे हजरत तो बड़े मेहरबान और रहम दिल थे, वह दुश्मन के साथ भी एहसान करते थे, इसलिए उसको माफ फरमा कर छोड़ दिया। इसलिए प्यारे दोस्तों, हमें अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा करना चाहिए, वो हमारे बिगड़े हुए काम भी बना देता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो सदके जारिया समझकर वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और करीबी रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हम इसी तरीके की रोज की दो वीडियो, एक सुबह 8 बजे और एक शाम 8 बजे आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होते हैं। तो हमें सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल डेली शॉर्ट हदीस को सब्सक्राइब करके। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।